सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और HPSSC ने 554 पोस्ट निकाली हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, और इनकी एज 18 से 45 साल है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये पोस्ट हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन किन डिपार्टमेंट्स में पोस्ट आई हुई हैं, इनको कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है, किस पोस्ट के लिए कौन क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, इन सभी बातों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये पोस्ट निकाली हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में ये पोस्ट आई हैं HPSSC द्वारा। और सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, मींस कि फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे और कब तक भरे जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट डेट हैं वो 6/12 से लेकर 5/1/2021 तक है। 6/12 से स्टार्ट होंगे फॉर्म भरने और 5/1/2022 तक ये फॉर्म, एक महीने का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। और कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं hpssb.hp.gov.in, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज की, कि एज क्या रहेगी इसमें, 18 से 45 तक साल तक की एज रहेगी। और ST ST और OBC के लिए जो रिलैक्सेशन है वो अलग से यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पोस्ट किन किन डिपार्टमेंट्स में आई हैं, ठीक है। आगे इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि इन पोस्ट्स को कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन इन पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है, वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट है, जो कि 10 पोस्ट हैं, जर्नल की 5 और EWS की है 1, ठीक है। तो ये हैं 10 पोस्ट हैं आपकी, ठीक है, टोटल हेल्थ एंड वेलफेयर जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है वो है इंडस्ट्रीज इन्वेस्टिगेटर की है, वो 3 पोस्ट हैं केवल और तीनों ही जर्नल के लिए हैं, मीन्स की सभी भर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स इन बोर्ड कॉरपोरेशन, स्टेनोटाइपिस्ट की बोर्ड है, जो पोस्ट है जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में है, चाहे हिमाचल प्रदेश का जो BC फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कांगड़ा, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, ये सारी स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है। किसी में एक पोस्ट है, इसमें 40 पोस्ट है फैमिली एंड वेलफेयर में, ठीक है। और टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो कि एक पोस्ट है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में 4 पोस्ट हैं, डीसी लाहौल स्पीति इंडस्ट्रीज SPPW में आपकी जो 9 पोस्ट हैं, और HP स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में 1 पोस्ट है, और हिमाचल अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर लैंग्वेज में 1 पोस्ट है। तो टोटल 66 पोस्ट हैं स्टेनोग्राफर की, ठीक है, स्टेनोग्राफर की जो आपकी स्टेनोटाइपिस्ट की, ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट की जो आपकी 66 पोस्ट हैं स्टेनोटाइपिस्ट की। और इसके लिए हम देखेंगे कि स्टेनो इसमें टाइपिंग मांगते हैं या नहीं मांगते, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो आगे चलकर हम सभी चीज़ों को देखेंगे। आयुष विभाग में, ठीक है, 1 पोस्ट है, और वो किसकी है, तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में आपकी 1 पोस्ट है, ठीक है, जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एक पोस्ट है इकोनॉमी स्टैटिक्स और वेरियस डिपार्टमेंट में है, ऑफिस असिस्टेंट की, अच्छी पोस्ट है, जो ऑफिस जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है उनकी 74 पोस्ट हैं, जो कि 2 डिपार्टमेंट में आई हुई हैं, एक तो HPSEVL और जो एक हिमाचल प्रदेश का जो पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन है वहाँ पर आई हुई है, जो बिजली विभाग में आप बोल सकते हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्टाफ नर्स की पोस्ट हैं 85, ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रेडियोग्राफर की 4 पोस्ट हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेबोरेटरी असिस्टेंट की 16 पोस्ट हैं, जिसमें आप 20,200 का स्केल पे है, ठीक है। और हेल्थ एंड वेलफेयर जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की 18 पोस्ट हैं, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला सैनिटरी इंस्पेक्टर की 6 पोस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजन करेक्शनल सर्विसेज जूनियर टेक्नीशियन वीविंग मास्टर एंड इंस्ट्रक्टर 3 पोस्ट है,
और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो आईटी डिपार्टमेंट में है उसकी वेरियस डिपार्टमेंट में 200 के करीब पोस्ट हैं, ठीक है, और 200 के करीब पोस्ट हैं आपका इलेक्शन में 7, ठीक है, एचपीएससी वीएल में 148 पोस्ट हैं ये, ठीक है, और 3 पोस्ट इसमें लेबर डिपार्टमेंट में आपकी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में 25 पोस्ट हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इंडस्ट्रियल असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट है आपकी 2 पोस्ट हैं, जर्नल की 1, ठीक है, और जर्नल स्पोर्ट्समैन की यहाँ पे 3 पोस्ट हैं जो कि एच पी एस ई वी एल में है, और इलेक्ट्रीशियन जूनियर ड्राफ्टमैन की ये पोस्ट हैं। तीनों पोस्ट स्पोर्ट्स कैटेगरी को दी गई हैं, स्पोर्ट्स जो कैंडिडेट हैं उनको दी गई हैं, और ये सारी स्पोर्ट्स की आ गई हैं फिर आगे, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जो विदाउट स्पोर्ट्स हैं वो ये हैं फैमिली एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में 6 पोस्ट हैं जिसमें 3 जर्नल ई डब्ल्यू एस की हैं और ओबीसी जर्नल की 2 पोस्ट हैं, ठीक है, एंड एच पी पी डब्ल्यू पी डब्ल्यू डी है जो हिमाचल प्रदेश का, उसमें 12 पोस्ट हैं जर्नल की जिसमें 9 पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे जर्नल की जो वेटेज रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपकी एक एक दो दो पोस्ट हैं सारी, आप यहाँ पे देख लेना। तो हाँ, इनके लिए देखिए जो स्टेनोटाइपिस्ट की जो सबसे पहले क्लियर करने वाली बात है ये कि हिंदी में 80 वर्ड स्पीड इन शॉर्ट हैंड और स्पीड इन टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। जो शॉर्ट हैंड में स्पीड है वो 60 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश के, हिंदी के 60 वर्ड पर मिनट है शॉर्ट हैंड की, और 25-25 वर्ड इंग्लिश हिंदी की कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड इन टाइपिंग ऑन कंप्यूटर है, ठीक है, और ये आपकी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके एक बार इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें अपने से, और जो आपकी फील्ड की जॉब है उसको विस्तार से इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक बार जरूर देख लें, ठीक है। उसके बाद है क्या, 10+2 में साइंस होनी चाहिए आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, और लेबोरेटरी टेक्नीशियन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और प्लस टू साइंस से होनी चाहिए, उसके बाद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में करना चाहिए, ठीक है, जो कि इंस्टीट्यूशन डूली रिकॉग्नाइज्ड बाय एच पी सेंट्रल या तो हिमाचल प्रदेश की बोर्ड से हो या सेंटर के बोर्ड से हो, किसी से भी रिकॉग्नाइज्ड हो यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आपने सेंटर से किया है तब भी चल जाएगा, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश ने किया तब भी चल जाएगा, जहाँ आपकी अगर आपके पास इन चीज़ों में किसी में से एक में कमी है, उसके अलावा अगर आपने बीएससी की है तब आप इन पोस्टर्स को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और फील्ड इन्वेस्टिगेटर की जो पोस्ट है वो आप आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, या तो आपकी साइंस में होनी चाहिए या आपकी आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, ठीक है, तो ये आपकी फील्ड इन्वेस्टिगेटर की है, और बहुत सारी ये आपके वो हैं, आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब मैं इसका लिंक है जो नोटिफिकेशन का वो भी डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए, इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है एक बार आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए, hpssbhp.gov.in है, ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, धन्यवाद दोस्तों।